उदाहरण दो, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल एक धन साइन थीटा बटा एक ऋण साइन थीटा बराबर एक धन साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। हल, हल में हम सबसे पहले बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष, बायां पक्ष में हमारे पास है वर्गमूल एक धन साइन थीटा बटा एक ऋण साइन थीटा, बायां पक्ष बराबर वर्गमूल एक धन साइन थीटा बटा एक ऋण साइन थीटा। अब हम वर्गमूल के अंदर में हर का परिमेयीकरण करेंगे। इसके लिए पहले एक धन साइन थीटा बटा एक ऋण साइन थीटा लेंगे और अब हम वर्गमूल के अंदर में एक ऋण साइन थीटा जो हर है इसका परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण करने के लिए हमारे पास जो एक ऋण साइन थीटा है हम अंश और हर में एक धन साइन थीटा से गुणा करेंगे। तो एक धन साइन थीटा बटा एक धन साइन थीटा बराबर वर्गमूल एक धन साइन थीटा गुणा एक धन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं एक धन साइन थीटा कोष्टक के अंदर की घात दो कोष्टक के बाहर बटा हर में सरसमीका हम लगाएंगे एक ऋण साइन थीटा एक धन साइन थीटा को हम लेंगे ए ऋण बी ए धन बी जिसका मान होता है ए की घात दो ऋण बी की घात दो। तो एक का घात एक होगा और ऋण साइन थीटा की घात दो जो है साइन थीटा का वर्ग जो है साइन की घात दो थीटा होगा या वर्गमूल हम इसे लिख सकते हैं वन एक ऋण साइन की घात दो थीटा जो होता है वह कॉस की घात दो थीटा होता है। तो हम इसे लिखेंगे एक धन साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस की घात दो थीटा है तो हम इसको कोष्टक के बाहर में की घात दोनों के लिए अंश और हर के लिए हम की घात दो लिख लेंगे और इसके बाद वर्गमूल और घात जो है दो वो हट जाएगा और हमें प्राप्त होगा एक धन साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो कि हमारा एक धन साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो है दायां पक्ष है तो हम लिखेंगे यहाँ पे दायां पक्ष। इस तरह से हमने दिए गए उदाहरण को हल किया कि वर्गमूल एक धन साइन थीटा बटा एक ऋण साइन थीटा बराबर एक धन साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यह इस उदाहरण का हल होगा।